How could you agree to it, Archana? So the company's executive was very, very insistent. Oh, company का executive क्या चाहता है? उससे पहले हमने ये देखना है कि हमारी overall strategy क्या है. Yes, sir. Archana, what is the basic intention of the ad? Sir, I think it's basically to maintain, to sustain the sale of this particular product. You're right. We are not launching a new product. हम मार्केट में राइवल प्रोडक्ट को कंपीट कर रहे हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट की सेल गिरे नहीं. तो उसके लिए ये सेलिब्रिटी की तस्वीर लगाने की क्या जरूरत थी? व्हाट इज द बेसिक अपील ऑफ द राइवल प्रोडक्ट? सर, आई थिंक इट्स एसेंशियली इमोशनल. यू आर राइट. वो कहते हैं कि उनका साबुन ज्यादा सफेद कपड़े धोता है, लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारा पाउडर थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन ये कपड़े ज्यादा सफेद और ज्यादा मिकदार में धोता है. और बेसिक अपील इज रीजन. ये सब जानते हुए तुमने उसकी बात कैसे मान ली? यू आर सो इंटेलिजेंट, सो टैलेंटेड अर्चना. सर, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, बट ही जस्ट. समझाने की कोशिश की जरूरत नहीं पड़ती अर्चना. यू हैव टू ब्रिंग द पार्टी इनटू एक्शन अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू. उनका एग्जीक्यूटिव अभी फॉरेन से क्वालिफाई करके आया है, उसको इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की साइकोलॉजी का पता नहीं है. आई थिंक यू आर राइट सर. उससे फिर मिलो और इस एड का लेआउट दोबारा तैयार करो. राइट सर. एक मिनट सर. इट्स ऑल राइट. थैंक यू. ओके ओके बाय. अर्चना, देयर वाज अ फोन कॉल फॉर यू. हु वाज इट? विना के स्कूल के प्रिंसिपल का था. आई थिंक रिक्शा वाला आज नहीं आया है, तो बच्चों को स्कूल से पिकअप कर लेना. और सो रेडी सो लेट, और स्कूल 4:30 बजे बंद हो जाता है. एनीवेज, थैंक्स. एक्सक्यूज मी सर, आई नीडेड अ स्मॉल फेवर. एक्चुअली वो मेरे बच्चों को जो लेने जाता है रिक्शा वाला, वो आज गया नहीं है. माय किड्स आर वेटिंग एट स्कूल. कुड आई प्लीज बोरो द ऑफिस कार फॉर जस्ट हाफ एन आवर? श्योर श्योर, प्लीज. थैंक यू वेरी मच सर. इट्स ऑल राइट. Thanks so much, Sapna. See you. बच्चा लोग तो सब अपने घर चले गए मैम साहब. अच्छा ठीक है, थैंक यू.
चलो घर चलो। हेलो। मैं समझ गई थी कि रिक्शा वाला नहीं आया होगा। हाँ, हर महीने एडवांस में तो ये लोग पैसे ले जाते हैं, मगर जब पिकअप करने की बात आती है तो सबके साथ ऐसे ही होता है। अरे दीपक तो कई बार पूछ चुका है कि दीदी क्यों नहीं आई, दीदी क्यों नहीं आई। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय दीपक। चलो खाओगे ना? हाँ? क्या खाया था? टिफिन खत्म किया था? चलो अच्छा, अभी खाना देंगे, अभी खाना देंगे। चलो, मुझे पता है बेटा, भूख लगी है। अच्छा चलो आप यहाँ बैठिए। प्रेस करेंगे, ठीक है? ये क्या है? उसको उठा के अच्छे से रखो, जल्दी करो। और ये लड़का सारा दिन घर पे रहता है, पता नहीं क्या करता है। बेटा इसको अच्छे से रखो, चलो गुड गुड गुड, चलो इसको अच्छे से। और जाओ जल्दी कपड़े बदलो इसके, ठीक है? हाँ, शूज अपनी जगह पे लगाना। कौन है? मैं हूँ बीबी जी। इतनी देर क्यों लगा दी विक्रम? घर कितना गंदा पड़ा हुआ है। बीबी जी आज सुबह से क्या करूँ मैं, उसके पास तो आटा नहीं था, अभी ट्रक आया तो मैं लेके आ रहा हूँ। अच्छा जल्दी करो, बहुत गंदे बर्तन पड़े, साहब शाम को आ जाएंगे। ठीक है, मैं बच्चों को जी अभी कर ले। जा रही हूँ, तुम चुपचाप यहाँ बैठना दोनों, ठीक है? देखो ये बंदूक चलाता है। अच्छा वो जो चावल लेकर आया उसे देखा था, बहुत गंदा तो नहीं है? नहीं बीबी जी। हाँ? नहीं। अच्छा सैलेड काट देना साहब के आने से पहले। ठीक है बीबी जी। कैसे अर्चना? अरे मिला बेटा, ले मिला बेटा, ले ले। अरे ये क्या है भाई? ओहो जंबो, तुम कहाँ छागे बीच में? अच्छा सुनो,
एक मिनट इधर बैठो, इधर बैठो, एक मिनट एक मिनट। अच्छा ये बताओ, ये बताओ कि लड़ाई हुई कि नहीं आपस में? लड़ाई हुई थी हैं? लड़ाई हुई थी? दीदी ने तुम्हें मारा था? भाई क्यों मारा था तुमने? अच्छा सुनो एक बार बताओ पहले, अच्छा मम्मी ने आइसक्रीम खिलाई थी? नहीं खिलाई थी। चलो अच्छा कल शाम को चलेंगे आइसक्रीम खाने। और खराब करो इन्हें। अरे क्या खराब कर रहे हैं बच्चे यार। ओके चलो आप अंदर कपड़े। हाँ प्रॉमिस प्रॉमिस, चलो 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 अंदर जाओ। माय गॉड आई टेलिंग यू मिस्टर सैम वाज देयर हु हेल्प मी अ लॉट, अदरवाइज बेंगलोर वाज क्वाइट टायरिंग, वेरी टायरिंग। अच्छा फिर से तो नहीं जाना ना? नहीं अभी नहीं जाना, but I missed you a lot. पापा, my God, these children are. अच्छा अच्छा सुनो, अभी पापा को रेस्ट करने दो, खाने लगाएं। चलो 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 कपड़े चेंज करो, चलो बाबा चलो चलो। मेरा नाइट सूट दे देना। वहाँ रखा हूँ। Very good. चलो चलो। गर्म है ये। बस बस। सब्जी लूँ ना? हाँ ले रहे हैं। बाबा पापा को भी खाने दो, इतने दिन बाद आए, पापा आराम से खाने दो। नहीं 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 खाने चावल दो थोड़ा सा। नहीं अभी नहीं, रोटी खा। चलो चलो राहुल, ये रिक्शा वाला बहुत परेशान कर रहा है, आज फिर नहीं आया। पता है बच्चों को लाने में आज कितनी प्रॉब्लम हुई है? अच्छी भली स्कूल में पढ़ रही थी, स्कूल से क्रेश तक गीता ले आती थी, उसके बाद मैं ले आता था। मिसेस कपूर ने क्या कह दिया कि तुमने? मिसेस कपूर? जी हाँ मिसेस कपूर। जस कपूर ने क्या कह दिया कि आपने इनको उस स्कूल में डाल दिया? मैं तो कभी इसके फेवर में था ही नहीं। एक तो फीस इतनी ज्यादा, ऊपर से उठपटांग खर्चे, ये कॉन्वेंट स्कूल तो होते ही नाम के, ऊपर से इतनी सारी परेशानियां। विक्रम नमक लेते ना। राहुल बच्चों की अपब्रिंगिंग बहुत जरूरी चीज है। जब मैं सतीश के बच्चों को देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हम अभी भी बहुत बैकवर्ड हैं। अर्चना, for God's sake, मैं 10 दिन के बाद लौट कर आया हूँ। I'm aware of that, Rahul. It's good that you're aware of that, but I don't want to listen to anything about Satish now. That's enough. जब देखो तब सतीश की बात है। सतीश ऐसा है, सतीश वैसा है, सतीश के बच्चे ऐसे हैं, सतीश के बच्चे वैसे हैं, यहाँ लाइफ ऐसी है, वहाँ लाइफ ऐसी है। पापा सतीश अंकल कब आएंगे? पता नहीं कब आएंगे। इसमें इतनी नाराज होने की क्या बात है? सतीश यहाँ आता है और चला जाता है, लेकिन अपना घोस्ट पीछे छोड़ जाता है। I hate to talk about it. Rahul, please, खाना तो खा लो। I don't want to listen to anything now, please. Rahul, please. चलो बेटा पापा। मेरा बेटा हाँ वेरी गुड। अच्छा भैया को भी दो। नहीं मिल बांट के खाते हैं ना। चलो चलो भैया को भी दो जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड। अरे भाई देखो देखो ये क्या लेके आई है। क्या लेकर आई? चॉकलेट लाई है भैया। देखो मामा को भी दो जल्दी से। जल्दी नहीं ऐसे नहीं करते। वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी से किसी को तुम भी भाई। Keep the change, huh?
हाय अर्चना, हाउ आर यू? अरे भाई हम भी हैं, हैं? राहुल कैसा है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसा? बढ़िया। आ जाओ आ जाओ बैठो। बड़ी देर कर दी तूने। लॉट ऑफ टाइम एट द कस्टम्स यार। लास्ट टाइम यू नो वन लाइक दिस कट द ट्रेन। तू नहीं बदले अंदर। अच्छा ये बताओ कि मेरी और बच्चे अर्चना आई एम फीलिंग डिजी यार। एक कप चाय हो गया। नहीं मैं नहीं। So Rahul, how are things with you people now? As bad as last time? As good as last time, you fool! It's good. Nice curtains. You liked it? Okay. You want to change? Yeah, of course. I'm feeling very tired, yeah. When are you going to get smart, Rahul? मतलब? मतलब तुम यहाँ से छुटकारा कब पाओगे यार? You know, 7 साल हो गए तुम्हारी शादी को, हाँ? सतीश, मुझे यही अच्छा लगता है। It's our home, it's our life. Our home, our life. Rahul, life is what? What you make of it? I have got it made. सब कुछ है मेरे पास. And you know, खाली हाथ गया था यहां से. सतीश, पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता. There is something called peace of mind. Come on, Rahul. This philosophy is for the classroom, man. I teach a lot of it to my students there. Okay, tell me one thing. Can your peace of mind buy you a return ticket of America? Huh? मैं साल के दो चक्कर घर के लगाता हूँ, शिकार खेलता हूँ, I enjoy life, I live it. और तुम अभी तक आगरा नहीं जा सके हो. तुम्हारे बच्चों ने ताजमहल नहीं देखा अभी तक. क्या फर्क पड़ता है? इसके लिए हमारा प्यार तो कम नहीं हो जाता. एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सतीश, ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर है हमारा ये घर. और ये है हमारी मुमताज. आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. बाय 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 सो सतीश, दिस इज द डिफरेंस. यू वांट टू लीड दैट काइंड ऑफ लाइफ एंड आई वांट टू लीड दिस काइंड ऑफ लाइफ. आई एम सॉरी आई हैव टू लीव. सी यू इन द इवनिंग. सी यू. This is really exasperating. कितने केयरलेस हैं ये लोग, एकदम बेहुदा. इनको मालूम नहीं कि कस्टमर से बात कैसे की जाती है. A good salesman always reads the mind of the customer and shows him all he has and wins his heart. Oof. It's terrible. पता नहीं अर्चना तुम लोग यहां पे कैसे रह रहे हो. Look at him. When are you going to leave this dump? अभी भी वक्त है, सोचो समझो
अरे अपना नहीं तो अपने बच्चों का ख्याल तो करो यार। प्लीज कम। अर्चना, द वे यू पीपल आर लिविंग हियर इज रियली डिस्गस्टिंग। राहुल को समझाओ यार, कुछ नया करो, कुछ बेहतर करो। मैंने कहा उससे, लेकिन क्या ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून। ऑर्डर सर। ऐसा करो, अब तुम तो बियर लोगी नहीं। पुअर इंडियन वुमेन। अर्चना, when will you really get liberated, huh? Anyway, एक बियर और एक जूस। पाइनएप्पल। हाँ, एक पाइनएप्पल जूस और एक बियर। थैंक गरम है भाई। सॉरी सर, सुबह से बिजली नहीं है। ओह, इट्स ऑफुल। कम ऑन अर्चना, लेट्स गो। बच्चे का गाँव गए महाशय? दो हफ्ते बाद लौटे। क्या बात? कुछ नहीं। देखो, कोई बात जरूर है, बोलो क्या बात। तुमसे बात करने का कोई फायदा है? What? अपनी तरफ देखो, अपने रहन सहन की तरफ देखो। जरूर सतीश ने तुमसे कुछ कहा है। जब भी यहां आता है तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस करके चला जाता है। सतीश ने मुझसे कुछ नहीं कहा, उसे दोष देने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कुछ कहा है? नहीं। तुमने कुछ कहा और ना तुम्हारे बच्चों ने कुछ कहा। किसी ने कुछ नहीं कहा। रो क्यों रहे? प्लीज अच्छा बोलो क्या बात। हम लोग शॉपिंग करने गए थे। कम ऑन अर्चना, इसमें इसमें ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें रोना आ रहा है? कितनी गर्मी थी, सो मिजरेबल। अर्चना, देखो बात टालने की कोशिश मत करो। मुझे बताओ क्या बात। जहां पर भी गए सतीश का दुकानदारों से झगड़ा होता है। They were all so indifferent। इन सब से तुम्हारा क्या वास्ता?
मुझे सिर्फ ये एहसास हुआ कि हम एक बहुत ही घटिया जिंदगी जी रहे हैं। दुकान भरी पड़ी है लेकिन कोई कुछ दिखाने को तैयार नहीं है। तो इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? परेशान होने की बात है, We accommodate to all sorts of nonsense. सारा शहर कचरे से भरा पड़ा है, सड़कों पर गाय भैंसें घूमती रहती है। किस तरह का शहर है ये? कैसा मुल्क है ये? और वहां स्टेट्स में तुम जाते हो, वहां पे सड़कें कितनी साफ और खूबसूरत है। सतीश बता रहा था वहां के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आप जो चाहे खरीद सकते हैं। There are 40 brands of items on the supermarket shelves. यहां पर तो आप सारा दिन ये बकवास सुनती रही। ये बकवास नहीं है, हम और आप यहां पर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। वी आर टैलेंटेड, वी आर एजुकेटेड, क्यों सड़ रहे हैं हम यहां पर? सतीश की तरफ देखो, मिडवेस्ट के एक छोटे से कॉलेज में प्रोफेसर है, क्या नहीं है उसके पास? एवरीथिंग इज सो आइडियल अबाउट हिम, पर हमें कब मिलेगी अच्छी जिंदगी? अच्छी जिंदगी खाक। मैं जानता हूं वो लोग वहां कैसे रहते हैं, क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। ऐसे लोगों के पास सुख शांति नाम की कोई चीज होती है? नहीं होती। ऐसे लोगों के पास सिवाय पैसे का और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। यू सीम टू फॉरगेट राहुल, मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब मैं उसके बच्चों को देखती हूँ, फिर अपने बच्चों को देखती हूँ। तुमने कभी उसके बच्चों को देखा है? सिर्फ उसके पर्स में उसके बच्चों की तस्वीर देखकर तुमने उसकी जिंदगी की तस्वीर खींच ली है। सतीश साल के दो चक्कर यहां लगाता है, कभी अपने बीवी बच्चों को लेकर यहां आया है? क्यों लेकर आएगा वो नहीं यहां? वो एक अच्छे माहौल में रहते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। और वीना और दीपा, पता नहीं उन्हें कब मिलेगा अच्छा एनवायरमेंट। प्लीज राहुल, ये बचपन बार बार नहीं आने वाला। राहुल अर्चना, प्लीज प्लीज, विल यू प्लीज लिसन टू मी। देखो अर्चना, सतीश ने तुम्हें जिस दुनिया की झलक दिखाई है, वो एक छलावा है, छलावा, एक तृष्णा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मानवता और प्यार। पति और पत्नी मिलकर जो जीवन का रथ चलाते हैं, उससे जो धूल उड़ती है, that is the best gift for your children. देखो अर्चना, जब तुम उस दुनिया को करीब से देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया की तस्वीर कितनी फीकी है। बहुत बहुत खोखली है वो जिंदगी, बहुत खोखली। हमारा एक छोटा सा घर है जिसे ने तुमने मिलकर मेंटेन किया हुआ है। हमारे दो छोटे छोटे प्यारे बच्चे, इसीन से जनम
छोटी सरकार। बाबा एक मिनट, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। अब बचपन से आपने हमें अपनी गोदी में खिलाया, आपकी उंगली पकड़ कर बड़े हुए, तो आपको ये सरकार कहना हमें अच्छा नहीं लगता। आप हमें हमारा नाम लेके पुकारा कीजिए ना। अरे बच्चा, बचपन में तो मैं घोड़ा बनता था तो मेरी पीठ पर बैठता था। हाँ, लेकिन एक बात कहनी है आप। हाँ कहिए। वो ये कि इतनी बड़ी सल्तनत का भार अब इन कंधों में उठता नहीं है सरकार। मेरी जिंदगी तो तुम जानते हो एक दिए के बराबर है। एक हवा का झोंका आया और मैं गया बाबा। तो हमारी इच्छा सिर्फ इतनी है कि आप किसी तरह से अमेरिका से अपने देश वापस आ जाओ बस। बाबा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने अपने बिजनेस को कितना बढ़ा लिया। अब वो सब समेट कर हिंदुस्तान लौट आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। बेटा तुम वापस नहीं आ सकते कोई बात नहीं, लेकिन इतना जरूर चाहते कि जल्दी जल्दी आ जाया करो, मेरा दिल बहुत कमजोर हो गया। बाबा जब तक आप मौजूद हैं मुझे किसी तरह की कोई चिंता नहीं। आइए चलिए। ओके तो दीपू को चाहिए बिग गन। ओ हाय कब आए? बस यही अराउंड 3 o'clock। मुझे तो लगा तुम सीधे ही चले गए होगे। अरे नहीं नहीं इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाले थोड़ा तुम्हारा। हाँ अच्छा कुछ चाय वाय है? हाँ आई टुक लॉट ऑफ केयर। चलिए अच्छा वो आप लोग आ गए, मैं बस निकलने की सोच ही रहा था। माय फ्लाइट इज एट 9, टैक्सी इज ऑलरेडी वेटिंग आउटसाइड और सामान भी गाड़ी में ही है। चलो अब दोनों बच्चे जल्दी से अंकल को एक एक पारी करें। वेरी गुड। व्हेन यू ग्रो अप लीव द स्टफ ओके। चलो गो इनसाइड। सतीश मेरे और बच्चों को हेलो बोलना प्लीज। अर्चना मैं तुम्हें बताना भूल गया कि हमारा तो डाइवोर्स हो चुका है। जस्ट साइन द पेपर्स बिफोर आई लेफ्ट एंड शी इज टेकन द किड्स। एनीवे बाय बाय। बाय सी यू सतीश एंड टेक केयर। या बाय टू। So, when would you like to leave this dump for a better life abroad?